पहला बोलने का मैं रुका था ना, सन बचाना है तो बचाने आए थे ना हमें। भाई अब सपनों की नगरी को छोड़ने का टाइम आ गया, पर यहाँ से हम बहुत सारे सपने इकट्ठे करके जा रहे हैं जो पूरे करने हैं। तो सब तो पहला पाजीदा थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस, इट सीरियसली मींस अ लॉट। अब तो भाई वाली फील होगी है पूरी, अब तो भाई वाली सच्ची। आज सुबह से कुछ लग ही नहीं रहा, कल भी नहीं लग रहा था, जब पूरा घूमे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि यार किसी हम बंदे से पहली बार मिल रहे हैं प्रॉपर। इट वॉज अमेजिंग। डन डन पाजी, वेटिंग फॉर यू इन दिल्ली। भाई बहुत ज़्यादा मजा आया। और एक चीज़ और, पाजी का परफ्यूम ब्रांड भी है, तो जिसने बाय करना हो पाजी एक बार बताओ इंस्टाग्राम पे कैसे पहुंच सकते हैं। अभी परफ्यूम का ब्रांड चालू किया है 6 months back, शिव परफ्यूम्स के नाम से, यूनिसेक्स। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। ते मासी नु मेरा सत श्री अकाल कहना, फिर मिलते हैं सून। मेरी तरफ से परिवार का पूरा सत श्री अकाल बोलना। हुण असीं अगे नूं चाले पा लिते ने ते मुंबई दा दर्शन मम्मी दा करा दित्ता, बट मम्मी थोड़ा जिहा रह गया, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਚ ਸੀਗਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ। ਸੁਬਹ ਕਿਆ ਹੋਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਂ चाहे वो की दी मर्जी माँ हुए। सुबह ना काम वाली भाई आंटी आई, तो ना हमारा क्या कहते हैं अटैचिया खुली हुई पड़ी थी, तो भाई ने कहा कि पोछा लगाना है। अब मैं होता तो कहता आंटी रहने दो ना, क्योंकि मैं आलसी, कौन उठाता अटैचिया। मम्मी हुने अटैची उठानी है, पोछा लगा के जाना है। पार कर दिया है, मैं क्या नहीं करन इशारा कितना, फिर सामान चुक लो लगा के जाना। हाँ ये घर साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ। मुंबई की गलियां पता नहीं कैसी हैं, लोग तो समझ नहीं पाते, हमारा जीपीएस भी कंफ्यूज हो गया पहली बार। हाँ। रूट कहाँ से है, गाड़ी कहाँ दिखा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बॉम्बे से निकलने से टाइम लगना है। जितने भी लोगों से हम मिले हैं ना, उन्होंने कहा था अगर आपको बॉम्बे नहीं घूमना, सीधा सीधा निकलना है, तो बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे रहना। बिल्कुल, क्योंकि अंदर बढ़ गए तो थोड़ा पूरा दिन ही खत्म हो जाना है। भाई आज हम मुंबई में एक चीज और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मम्मी जैसे ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं ना, किसी दिन हमारे भी लगेंगे। अच्छी गल है बच्चे। हाँ। भाई बोल के मैनिफेस्ट करेंगे और चीजें करेंगे भी, फिर यही से व्लॉग उठाना, क्लिप उठाना और वो फिर फेमस करना कि बोल के कितिया ने चीजा, बाकी रब सुख रखे। अकड़ नहीं है, विश्वास है। बाकी भाई मुंबई के घरों की बात करते हैं, इतने छोटे फ्लैट है मम्मी, 2 BHK, और इतने एक्सपेंसिव। हम पाजी के घर रुके थे, प्राइस भी कितने 75,000 रूपए छोटे ने, बड़ी दिक्कत आती है ऐसे करा। कैसे मम्मी लगा, कैसे आपको बेटे की आंखों प्राइस देखो और अपार्टमेंट देखो, पैसे हिसाब न दिक्कत है ही है बहुत ज्यादा। अगर तुम किसी और जगह लेंदे हो, 4 गुना मिलेगा। सही कह रहे हो, पाजी ने एक बताया था हमें, लाड़ में उनके दोस्त रहते हैं, भाई एक एक बंदा 1-1 लाख रुपए देता है, इतना महंगा फ्लैट है मलाड़ में। वो भी रेंट पे, ये मत समझना कि उसका वो इंटरेस्ट दे रहा है, नहीं तो आप कहीं वो फ्लैट लो दिल्ली में, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दो या पूरा वो ब्याजा पैसा दो, भाई साहब मकान आपका, यहाँ तो आपका किराए का किराई सिस्टम है। चूना बाटी, कुरला, चेंबूर, वाशी, थाने हमारे यहाँ पे पता किसको कहते हैं, वो पुलिस स्टेशन को। थाने चलना, थाने लेके चलना, तेनु दसना, तेनु समझ नहीं आएगी, तेनु की करता पे है, सिर सुर पाड़ देगा तेरा, थाने लेके चलना तेनु, बेवकूफ ने सारे। तो वो जो थाने होता ना वो पुलिस स्टेशन होता है। ऐसे सोचने वाली गल है, इन्हों के नाम किन्ने अजीब ने, कुरला साडे इथे हुंदा कुल्ला, कुल्ला कुल्ला गल है, चुल्ली गल है, चुल्ली ते होर केड़े नाम ने, कांडी वाली। कांडी हुंदा है, कांडी हुंदा है साडे इथे, जे तुसी बद्रीनाथ जाओ, हेमकुंड साहब जाओ, ते बंदे तुहानू कंधे ते लैके जांदे ने, ओनू कांडी वाला कहंदे ने, ते इन्हां ने रखता कांडी वाली। होर केड़े ने ना,
ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ बाबर आजम याद आ गया मेनू शुरली नु चेक कर बंदा इथो दा नाम लेके सोचे यार मैं की बोलिया साढ़े इत तिलक नगर करोल बाग नेहरू प्लेस फीलिंग ही नहीं है तुसी एक बार बोलो कांडी वाली इंज लगता है कोई राक्षस आ रहा कांडी वाली आंदा पिया ही उन्हें खूनम खून कर देगा लग रहा है फीलिंग आ रही है अगर अभी बोलो तिलक नगर आंदा पिया ही कृपया मेट्रो के द्वार दोनों पासे खुलेंगे फीलिंग ही नहीं है यार ए नाम देखो घाट गोबर घाट गोबर कोई ना होंगे चलो ठीक है तुसी ना बखरे रख रहे ने कुछ चज ते तो रखो कुछ भी ना रख देंदे ने अजकल ता मॉडर्न जमाना ना मम्मी आजकल लोग की कुछ वखरा सोचन दी करदे ने भाई ये यहाँ की बसे देखो अब यहाँ की बसों से ना मेरे को एक चीज याद आई है जो पहली डबल डेकर थी मेरे कल इसी साइड थी मुंबई साइड ना कहते क्योंकि हमें भी पढ़ाया जाता था जो डबल डेकर बसे तब हमारा भी सपना होता था क्योंकि बॉलीवुड मूवी में दिखाते डबल डेकर दिल्ली में भी थी दिल्ली में भी थी हाँ, दिल्ली का नहीं पता मुंबई की बताई जाती थी मुंबई में होती थी पहले यहाँ थे बट है दिल्ली में भी थी अच्छा दिल्ली की नहीं देखी मैंने मूवीज में यही की दिखाई जाती थी तो हमें लगता था यही मुंबई में होती है तब होता था बॉम्बे जाएंगे डबल डेकर में ऊपर बैठेंगे शाहरुख खान की एक मूवी है उसमें लाल बस में वो ऊपर जाता है डांस करता है ऐसे दिल्ली में भी तो ऐसे है बड़ा फेमस होता है अबे जल्दी बोल यार पनवेल निकलना है कहने वाली बात है इस ट्रिप पे अलग ही जोश है रात को मैं 5 बजे सोया हूँ फिर भी मैं 9 बजे उठा हुआ था उठ गया 9 बजे उठ गया था उसके बाद सोया नहीं और मम्मी कह रही थी कि सो जा और सो जा एक दिन रेस्ट ले ले यहाँ पे गाड़ी भी चला हाँ बट नहा दोगे तैयार होके फिर असी फिर से उठ चला हाले तक वधिया टचवुड कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही गड्डी भी बहुत वधिया चल रही है बाकी आगे भी सुख रखे मैं इस वास्ते कुछ नहीं बोल दी है भाई आज का पहला टोल आ गया है एक्सप्रेस वे पे और अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 1837 किलोमीटर भाई अब हम प्रॉपर हाईवे पे चढ़ चुके हैं जो पुणे की तरफ जा रहा है इतनी बढ़िया रोड है खुला डुल्ला है चारों पासे हरियाली है स्वाद ही वखरा है जी ये टनल देखो भटान टनल क्या बात है इससे पहले बस हमने ये जो पहाड़ों वाली टनल है वो ही करी थी वाली टनल देखो यहाँ के पहाड़ों की ना मम्मी एक चीज बेस्ट है जो भी पहाड़ है ना सबके आगे अच्छी तरह नेट लगा रखी है हाँ बिल्कुल हाँ ताकि अगर लैंडस्लाइड होए भी तो किसी को परेशानी ना हो भाई ये भी सारे पहाड़ ही हैं पहाड़ वाली चढ़ाई है पर मम्मी को इससे डर नहीं लग रहा होगा ना इस साइड नहीं लग रहा ये ना कवर है ना कवर भी है खुला है पूरी लेन है कोई खाई वगैरह नहीं है नहीं खाई है उधर वैसे वो साइड है पर सेफ तो है ना सेफ पूरा है ये देखो पूरी तैयारी चल रही है इस पहाड़ को भी पूरा नेट से कवर किया जा रहा है हाँ, कितना मतलब सेफ कितना जा रहा है कि पब्लिक को दिक्कत ना आए हाँ। वो छोड़ो जीपीएस देखो साफ बना हुआ है पूरा हाँ। ऐसे 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 साफ जा रहा है जैसे ना कोई फीलिंग भी आंदी पे है भाई एक चीज और दिखाते हैं आपको हमें पूछना भी पड़ेगा किसी से कि लोनावला इधर जा रहा है और खंडाला इधर जा रहा है और पुणे इधर जा रहा है पर हमने लोनावला देख के जाना है जो टाइगर पॉइंट है तो पूछना पड़ेगा सर से कि उधर से उधर पुणे निकल जाएगा हमने लोनावना जाना है टाइगर पॉइंट राष्ट्रपति निकल गए अच्छा राष्ट्रपति साहब आए हुए थे उधर इसलिए तो रुका था अच्छा मम्मी को लेके जाओ ठीक है पर जाना किधर से इधर से नीचे से कब गए राष्ट्रपति साहब कब गए वापसी पहला बोलने का मैं रुका था अरे सर सॉरी सॉरी सर सॉरी थैंक यू सो मच सर ओके बाय बाय सर
भाई सर कितने प्यारे थे यार, कितने प्यार से हमें बात करी, तू बोला नहीं हमें, हम रुकवाता राष्ट्रपति को, पहले बोलता हमें, अब मम्मी को लेके जा, मम्मी को लेके जा रहा है। सर ने ऐसे फेस्ट भी दिया, यही छोटी छोटी बातें मम्मी कितना खुश कर जाती है यार। सफर आसान होता, सर भी खुश हो गए थे। भाई हम लोनावला टाइगर पॉइंट के लिए निकल चुके हैं, तो ना दो रास्ते कटते हैं लोनावला, लोनावला आने से पहले एक पुणे एक्सप्रेस वे चला जाता है अगर आपको इधर नहीं आना है तो, बट हमें आना था क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया था टाइगर पॉइंट देख के जाना, लोनावला देख के जाना, तो आगे हैं। टाइगर पॉइंट मतलब कि टाइगर ना, टाइगर टूगर नहीं मम्मी, कोई पॉइंट है जहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू दिखता है, अच्छा। उसको टाइगर पॉइंट कह रखा है जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी देखो परसों मैं कह रहा था कि ना वो पचरंगा खोल लो, इन्होंने यहाँ पे मंगलक्का चिक्की खोल रखी है, पचरंगा नहीं है यहाँ पे मंगलक्का चिक्की है, चिक्की। बाकी मैं सर्च करा क्या है टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट पर क्या है ये भी तो बोल देते। ये देखो मम्मी, ये साथ में रेलवे ट्रैक है, ये देखो फेमस फायरबर्ड्स टाइगर पॉइंट फेमस। भाई ये देखो साइड में ट्रेन खड़ी है, पूरी ट्रेन जा रही है, लोग भी खड़े हैं बाहर। ये आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ का पचरंगा और यहाँ का क्या है, ये देखो यहाँ का ये है मंगलाल चिक्कीस, इसपे है चार चूर, ऐ गेम खेल गया प्रावा मेरे को लगता है इसने व्लॉग देख लिया होगा, रातों रात दुकान खड़ी कर ली है इसने। पर यहाँ पे बड़े सारे मंगलाल चिक्की एंड फजेस, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज है, मंगलाल समथिंग लाइक दिस है, मंगलाल नहीं। ये भी मम्मी लोनावला कितना सोना है, साफ सुथरा, बिल्कुल छोटा सा है और साफ सुथरा कितना है। ये देखो ये भी मंगल लाल है, सामने भी मंगल लाल है, बहुत सारी ब्रांचेज है यहाँ पे मंगल लाल की। है की चीज है, टिक्की मिलता है, चिक्की मेरे को नहीं पता किसको कहते हैं, बट चिक्की एंड फजेस है, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो मम्मी ये पूरा कवर कर रखा है, अभी राष्ट्रपति साहब आए थे ना ता करके कोई आगे ना आ पाए, हर जगह चारों ओर पुलिस खड़ी है दोनों तरफ। ये देखो आपका स्वागत है लोनावला में, राष्ट्रपति साहब जी भी, ओ, मैडम की फोटो लगी हुई है, ये देखो। एक चीज और बेस्ट होगी हमारे साथ, अगर हम टाइम से निकल आते तो हमें खड़ा होना पड़ता मम्मी, क्योंकि फिर राष्ट्रपति जी आई हुई थी मैडम, तो अब चले गए, अब चले गए तो बिल्कुल फ्री हो गया है, नहीं तो टाइम बड़ा लग जाना था हमें। भाई होटल्स तो यहाँ पे भी, अगर किसी को लोनावला रुकना है तो होटल आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे, पर क्या रेट है कैसे हैं वो हमें नहीं पता। वो शो खत्म हो गया होगा ना तो सारी वापसी जा रही है ऑडियंस, एक तो मेरे को खुशी इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंचे हैं मम्मी, सनसेट के टाइम पे, और दूसरा कि ना जो लास्ट के 4-5 किलोमीटर है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जो आप मोड़ लेते हो ना ऐसे ऊपर जाने के लिए बिल्कुल सीधी हो जाती है गाड़ी। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक और आया है, एक एक करके मुड़ती है यहाँ पे, क्या कि आगे वाली पीछे ना आ जाए तो इसको लगे ना, ये देखना उसको जान दो फिर मैं मुड़ूंगा। ये देखो पूरी, ये तो ये वाली तो छोटी थी, पिछे लेती थी वो ज्यादा बड़ी सी। मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ जो कराता है मम्मी भगवान ही कराता है, स्क्रिप्टेड है। कल तो हम डायरेक्ट पुणे निकलने वाले थे, भगवान ने मुंबई रुकवाया, आज के दिन सही टाइम पे निकलवाया, क्योंकि अगर मेरे को लगता है अगर हम टाइम से पहुंच जाते और राष्ट्रपति के चक्कर में बंद होता हम रुकते ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया, एग्जैक्ट टाइम हम रुकते ना हम पुणे निकल जाते सीधा। कितना प्यारा लग रहा है यार, ओ भाई साहब सनसेट देख के इतनी खुशी हो रही है ना। सबसे गंदा पता क्या लगता है, यहाँ ऊपर ना कमर्शियल चीजें हो रखी हैं, साफ सुथरा रखते नहीं है, सारी गंद मचा हुआ है, नहीं तो भाई जो भी लोग है ना साफ रखा करो यार। ये देखो यहाँ पे कितना गंद मचाया हुआ है, इतनी अच्छी जगह को ना सारा नाश मार रखा है, ये देखो सारा मूड ऑफ हो गया यहाँ ऊपर आगे ना, नहीं लगाना भाई यहाँ पे इतने गन से थोड़ी देर ना सनसेट, आराम से कल्ले देखेंगे उधर आगे गाड़ी खड़ी करके। भाई आप भी आओ ना तो आप भी ये कर सकते हो, अभी हम लोकेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब ना हम थोड़े खतरों से खेलेंगे मम्मी, गाड़ी नीचे उतार रहा हूँ मैं, नीचे कितने पहाड़ पे चढ़ने मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे खड़ी करते गाड़ी, गन तो वैसे यहाँ पे भी है, फंस ना जाए भाई गाड़ी, फंस तो नहीं रही ना, ले जाऊं और आगे ले जाऊं।
भाई हम देख रहे हैं उधर से बिल्कुल सनसेट बढ़िया आ रहेगा, गाड़ी चलाता हूँ आराम आराम से उधर ले जाते हैं, ठीक है तू मेरे को बताता रही हो बस करोगा पीछे फिर करने मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होगी, पागल है तू? ओ बेवकूफ अकल कोनी, सनसेट के चक्कर पीछे क्या लगी? नीचे लगी मम्मी, नीचे लगी गाड़ी। मैं उतर जाऊं भाई, हमें हमें देख के फॉर्च्यूनर भी आ गई है भाई मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, स्कॉर्पियो होती ना वहां पे ले जानी थी मैंने, स्कॉर्पियो नहीं थी इसकी तो फॉर्च्यूनर है। सर उधर ले जाओ बेस्ट हो जाएगा आपका, अगर आप लेके जा सकते हो मजाक की बात नहीं, आपकी तो फॉर्च्यूनर है, मैं ये वाली ले गया था भगवान कसम। अरे मेरे पास स्कॉर्पियो होती ना, मेरे पास स्कॉर्पियो भी है, मैं आगे ले जाता, आगे से बहुत प्यारा सनसेट है, आपकी तो आ भी जाएगी। 4x4 है, 4x2 है तभी भी आ जाएगी, ऊंची बहुत है। आओ दिखाऊं मैं आपको, दिखाऊं? अरे यहाँ से लगाओ वहां पे गाड़ी, चल मुश्किल आ जाएगी। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे कुछ नहीं होगा, अभी मैंने चढ़ाई है भाई साहब, मैं फट गया, ये मेरे ही है ये रे ना। सर आ जाओ आ जाओ, गड्डी लॉक कर देती है, आ जाओ आ जाओ। करण तुमने भी अपनी भी ले आऊं? अरे वहां पे इधर करो इधर करो इधर करो, तूने भी इधर, इधर, काम किया, इनको भी बोल रहा है तू कोई काम करो अरे यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से उधर नहीं, उधर बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर से इधर से सारे एक तो बात देखने हैं, हम साड़ी स्कॉर्पियो थोड़ी ऊंची है, ऐ भी चली जाती तुसी डरते हो, चल ले किन्ना फसे है, किन्नी मुश्किल बच्चे है, अंकल कोई नहीं बच्चे क्या यार फसी थी कोई क्यों नहीं डरते हो, फसे नहीं थे, मैं तो कह रहा था स्कॉर्पियो होंदी ना उठे खड़ी करदा मैं, हां तो होंदे ता ना, चल होंदी ता अगली बार स्कॉर्पियो दे आवा, ये फॉर्च्यूनर बाइक बाइक इधर ले आओ भैया, इधर से लेकर आओ इधर से, अरे नको कहां भाई, नको नको इधर था लेकर आओ तुम। सर आपकी तो जाती है यार, सर डर क्यों लग अरे मेरे को देख के आप इधर तक आ गए, मैं तो यहाँ तक आया हूँ, मेरे पास गाड़ी बड़ी होती ना आपकी वाली होती मैं ले जाता, करण तेरी फस जाने से नहीं फसती यार, एवं कैसे फस जाती, तो फसी थे अटक नहीं गई, कितने अटकी है वो तो तुम्हारे डर करके पीछे ला लेती सी मैं, साडे करके वो आए ने इत्थे, हां हां सानू बचाने आए थे, बचाने आए थे ना हमें, हम कोई मर गए थे, हम कहीं बचाने आए थे हमें, सानू कुछ हो गया थे बचाने आए सीगे, कहंदे अभी भी ले आऊं, कुछ ज्यादा वो नहीं है, रह नहीं देता हूं वैसे हालत खराब हो जाएगी, अब देख रहा हूं ना मैं ऊंचाई बेटा ऊपर चढ़ने बड़ी मुश्किल हो जानी है भाई, आप पता है क्या करना, टाइगर पॉइंट से पहली है बहुत अच्छा, वहां तक जाएंगे पैदल, आओ मम्मी भाई ये पॉइंट देखो, ये असली व्यू पॉइंट तो कैसा लग रहा है हाय मम्मी में से पूछती सनसेट क्या होता है, क्यों लोग भागते हैं, आपको बैठ के दिखाएंगे बस, अच्छा जब तक सनसेट नहीं हो जाता, ठीक आपको आज खुद ही डेफिनेशन पता चलेगी सनसेट का, और यहाँ पे पाठ करके जाएंगे, अच्छा डेराज साहब का पाठ चलाएंगे, आप इंजॉय करना फिर आपको फील होगा, आंखें बंद करके इंजॉय करना आप आज, अच्छा ठीक है आराम से पूरा पाठ सुनना, फिर यू विल फील द नेचर, पॉइंट दिखाएं आप जरा, ताई ते कह रहे जड़े गुरु होंदे ने अते क्यों आंदे ने अपना समाधि लगान या तपस्या करन, तपस्या करन क्यों आंदे ने, ऐसे वास्ते आंदे ने एकांत जगह, कोई मतलब नहीं, ऐति ते रब दा मिलन होंदा वे, अभी आपको मिलन करवाते हैं, हां ऐति ते रब दा मिलन होंदा ऐसी जगह आंदे ने, ओते मेनू अजे फील होण लग पिया वे भाई, हमने पहले पाठ किया है ना, आराम से सनसेट देखा पूरा, हमने फीलिंग ली है, हाँ। सबसे बड़ी बात है तो जगह भी तो चूस बहुत अच्छी दिखती है, बिल्कुल वहाँ पे शोर बड़ा होता है, वहाँ गंद था, यहाँ गंद नहीं है बिल्कुल, जहाँ कोई बंदा ना हो वहाँ पे बैठ के सनसेट देखो सबके साथ, सनसेट का मजा नहीं है, आपको ना लोकेशन बता देता हूँ, जहाँ पे टाइगर पॉइंट है ना गूगल मैप्स पे, उससे पहले एक फ्लाई ओवर आता है, पुल आता है, फ्लाई ओवर भी नहीं है पुल है, उससे पहले ये ग्राउंड है, आपको तब जगह दिख जाएगी, यहाँ पे रुक जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं है,
और मैम ने हमें बताया चिक्की क्या होता है। चिक्की होता है गच्चक, गच्चक गच्चक को कहते हैं, पीनट गच्चक होती है। और अब हमने यहाँ से लेना है भाई, बॉडी लोशन लेना खत्म हो गया है। और बॉडी वॉश, बॉडी वॉश कहाँ है सर? मेरा, हाँ कर दो सर। बढ़िया चिक्की इस पे चले जाओ। एक यहाँ पे पता नहीं कौन है जिसकी बड़ी सारी शॉप्स हैं, हाँ मगन लाल, वो कौन है? अच्छा मगन लाल फेमस है बड़ा यहाँ पे, उसकी भी चिक्की होती है। चिक्की। अब दोबारा से हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे और सीधा सीधा पुणे पहुंच जाएंगे। पुणे का टाइम दिखा रहा है अभी कुछ 2 घंटे दिखा रहा है। 2 लोनावला तक हिल्स हैं, उसके बाद पूरा प्लेन है, कोई हिल वगैरह कुछ नहीं है। तो आप आराम से रात को भी आ सकते हो लोनावला से, आपने पुणे आना है तो। अब हम पुणे बस 16 किलोमीटर अवे हैं, बट उससे पहले भी पूरी रौनक चालू हो गई है। मेरे ख्याल पुणे चालू हो चुका है, जो ये 16 किलोमीटर दिखा रहा है ये पुणे मेरे ख्याल रेलवे स्टेशन या जो सेंटर पॉइंट होता है वो दिखाता है, बट उससे पहले पूरी वसो है। पर बॉम्बे जैसा रश नहीं है, पर रौनक पूरी है। लाइटा तो पता लग रहे हैं, बिल्डिंग्स तो पता लग रहे हैं, आवे बहुत रौनक है भाई। फाइनली असी पुणे च एंटर कर चुके हैं, ते रौनक पुणे की ओए होए होए, क्या बात है। कितो असी चलदे आ रहे हैं ते रौनक चलदे। आपको एक बात बताता हूँ, मम्मी का पुणे में पहली बार है, मेरा दूसरी बार है। कैसे वो भी बताता हूँ। 2015 में किंग्सलैंड पंजाब का एक कप होता है, किंग्स कप। तो मैं 20,000 बच्चों में से 50 में सिलेक्ट हुआ था, लास्ट 50 में। और जो उसका फाइनल राउंड था वो पुणे में था, तब पुणे होम ग्राउंड हो गया था पंजाब का ना। तो लास्ट 50 में मैं कल्ला था, तब मैं अराउंड 16 या 15 साल का था। तो आई वॉज द यंगेस्ट वन इन दैट कप, तब आया था पुणे, और उसके बाद आज आया हूँ। तब पापा के साथ आया था, मम्मी के साथ आया था, मम्मी के दिनाल आ गया, पापा नाल आया से फ्लाइट थे। और एक चीज और बताऊं, पुणे से एक बहुत प्यारी कहानी जुड़ गई है। पापा ने ना कभी उससे पहले हमें ग्लासेस नहीं दिलाए थे, क्रिकेट में जो ग्लासेस होते हैं चश्मे। तो उस दिन मैं बहुत अच्छा खेला था, मतलब खेला अच्छा कैसे, टेक्निक वाइज रन तो मैंने 4 ही मारे थे, बट मैंने एक शॉट इतना प्यारा मारा था रणजी प्लेयर को कि भाई सारे सिलेक्टर सब खड़े हो गए थे, और मेरा नाम रख दिया था शॉट वाला लड़का। तो पापा नहीं जाते थे ना, आप शॉट वाले लड़के के पापा हो भाई, पापा इतने खुश हुए थे ना, रन नहीं मारे बट टेक्निक से सारे इतने खुश हुए कि ये लड़का कुछ करेगा। वो तो आगे मैं खेला नहीं, तो पापा ने ना उस दिन खुशी खुशी में, मेरे को याद है हमारे होटल के पास ही एक मॉल था, अगर वो मेरे को मॉल दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, 2,000 रुपए के ग्लासेस दिलाए थे कि तू आज ले ले। भाई फाइनली रूम हो गया, इतनी बार्गेनिंग करके, इतनी बार्गेनिंग करके, एसी वाला मिल रहा था 2,500 रुपए का। मैं कहा सर कुछ तो कर दो, फिर वो कहता नॉन एसी 2,200 का दे दो। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सर थोड़ा सा और करो सर। फिर उसने 2,000 रुपए में हमें नॉन एसी दे दिया। मैंने कहा चलो पंखे में सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी है, एसी चलाना पड़ता है, बट कोई नहीं, कभी ना कभी एडजस्ट करना ही पड़ता है। भाई हम अपने रूम में आ गए, तो कुछ ऐसा हमें पुणे में रूम मिला है, मिला तो अच्छा है पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, हमने 2,000 रुपए का पहले लिया है, बट वो एसी था, इसका एसी चलता नहीं है तो ये नॉन एसी है, बट सही मिल गया। मम्मी कैसा लग रहा है? पंखे के नीचे सो जाएंगे मम्मी तो, मम्मी को तो ठंड लग, मम्मी को तो वैसे ही ठंड लगती है। हम तो एसी पूरी घर में चलाए नहीं, 10 मिनट चलाते थे, अपना रूम ठंडा होती। तो ये रूम हमें पड़ा है 2,000 रुपए का, गुड है रूम, अच्छा है जो चाहिए सब कुछ है इसमें। भाई अभी ना मैंने कल की लोकेशन देखी, कल कहाँ पे जाना है, तो कल कर्नाटक जाना है, और यहाँ से 11 घंटे की ड्राइव है। वो देख के थोड़ा सा हो रहा है कि कल टफ टास्क होने वाला है, बट उसका हल है मेरे पास। क्या? रात को रज की रोटी खा लो, सुबह अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 11 घंटे बहुत होते हैं यार, कैसे करेगा? जहाँ तक भगवान इतना लेकर आया है वो भी करवाएगा, दिन ही खराब है भाई। इस होटल आए हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार, इतनी भूख लग रही है, इतनी लाइन में वेट थोड़ी करेंगे, देखना लोग बाहर बैठे हुए हैं। एक काके का होटल हो गया, ये तो काके से भी ज्यादा रश है इधर। अगर इस पे हम वेट करने लग गए ना तो रात के 12 के यहीं बज जाने हैं। यहाँ के लोगों के लिए ना ये ठंड है इस टाइम, और हमें इतनी गर्मी लग रही, लोगों ने जैकेट पहनी है। अच्छा उन्होंने सुन लिया।
ਭਾਈ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਆਏ ਆ ਪੂਨੇ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ ਪਾਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਪੂਨਾ ਤੇ ਪਾਜੀ ਪੂਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਜੀ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਪੂਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਕੇ ਪਾਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਓਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਪੂਨੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟੋਟਲ 28 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਗਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਾਈਡ ਦੱਸੂ ਤਾਂ ਪੂਨੇ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਭੂਤਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਪੂਨੇ ਓ ਮੈਨ ਸਾਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਫਰੋਮ ਪੂਨਾ ਟੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਿਸ ਬੈਕ ਪੂਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤਖਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਸਕੂਲ ਮੇਟ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਬਾਈਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਰਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕ ਟਾਈਪ ਯੋਸਾ ਓਕੇ ਰਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਜੀ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜੀਪ ਬੜੀ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇੜਾ ਤੋਂ ਬਣਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰੀ ਫੀਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਲ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰੂ ਟਰੂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪੂਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਦਾ ਕਰ ਖਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਭਾਜੀ Gold wing. Yes, gold wing. Only in India or only in world. Only in world? Only in world. Okay. Yes. Hi, Baji. How are you? Kishore. Is only bike jida reverse gear hai. Baji, bump bike. Zindagi mein bahut faisle mein reverse aa chuke hain. Thank you so much to Baji. Nahi nahi bas. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੀਨ ਸਲੋਟ ਭਾਜੀ ਮੀਨ ਸਲੋਟ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਚ ਦੋਨੋਂ ਭਾਜੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਓਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਓਲਡੈਸਟ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚੈਸਟ ਗਣਪਤੀ ਇਨ ਪੂਨੇ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਪੰਡਾ ਮੀਨ ਚੌਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚੌਰਾਹੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜੇ ਦਾ ਚੌਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ 10 ਦਿਨ ਜੀਪ ਭਾਜੀ ਦੀ ਬਾਈਕਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਿਕਸਰ 150 ਓਕੇ ਆ ਐਵੈਂਜਰ 220 ਓਕੇ ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਯੋਸੰਗ 250 GT ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ PB ਨੰਬਰ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੂਨੇ ਨਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਨੇ ਨਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੀਨਸ ਲੋਟ ਭਾਜੀ ਆਈ ਫਾਈਨਲੀ ਡਨ ਵਿਦ ਰਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੂਨੇ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ 8-11
ਭਾਜੀ ਨੇ ਯਾ ਵੇ ਪੂਨੇ ਵਾਈਫ ਫੁੱਲ ਵਾਈਫ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਅਬ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਪੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੰਮੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ 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 ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਲਵ ਯੂ ਹੇ ਸਿੱਗੀ ਮੰਮੀ